हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड मिस होने से पहले आपको कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो चुकी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीरियड जब मिस होता है तभी महिला को पता चलता है कि हाँ, उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीरियड लेट होना तो आम समस्या होती है। ठीक है, वहीं एक हफ्ते या इससे ज़्यादा दिन तक पीरियड नहीं हुआ है तो इसकी वजह प्रेगनेंसी हो सकती है। हालांकि इससे पहले ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। ठीक है, कई बार माँ बनना एक अलग और खूबसूरत एहसास होता है। हालांकि पीरियड मिस होने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी ही होती है। अगर आप बच्चे पैदा करने की उम्र में हैं तो आप कुछ लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आप माँ बनने वाली हैं या नहीं। खास बात यह है कि आप इन लक्षणों को पीरियड मिस होने से पहले ही पहचान सकती हैं, या कि पीरियड लेट होने से पहले ही आपकी प्रेगनेंसी के जो कुछ लक्षण हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा वो कौन कौन से लक्षण हैं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है कि सूजी हुई चेस्ट। ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी की शुरुआती में हार्मोन जो परिवर्तन होते हैं वो स्तनों को सेंसिटिव और सूजा बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि हालांकि कुछ हफ्तों के बाद जो है बेचैनी कम होने की संभावना हो जाती है, कम होने लगती है, मतलब क्योंकि आपका जो शरीर होता है वो हार्मोन चेंजेस को एक्सेप्ट करने लगता है। जब आपकी शुरू शुरू में प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन परिवर्तन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी जो है आगे बढ़ती है, तब आपके हार्मोन्स जो है उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ आपके संग होगी। अब दूसरा जो लक्षण होता है वो है बार बार यूरिन होना। ठीक है, यूरिन, अब कहा जाता है कि यूरिन जो है लास्ट टाइम पे भी होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी का नौवां महीना स्टार्ट होता है तो आपकी जब डिलीवरी होने वाली होती तब भी आपको बार बार यूरिन आता है। लेकिन ये जो यूरिन है वो शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो ये भी प्रेगनेंसी का ही लक्षण होता है। इस दौरान आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी किडनी आपके ब्लैडर में जाने वाले ज़्यादा तरल को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर इस पे प्रेशर पड़ने से क्या होता है, बार बार पेशाब आता है। ठीक है, तीसरा है थकान। अगर आपको बहुत जल्दी थकान होने लगती है तो ये भी प्रेगनेंसी का ही लक्षण होता है। ठीक है, इस दौरान अधिकतर महिलाओं को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो तेज़ी से बढ़ता है, जिससे थकान हो सकती है। ठीक है, चौथा है उपकाई। कई महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये अधिकतर महिलाएं जो होती हैं उनके संग होता है। उपकाई के लक्षण जो हैं उससे जूझती है। ये किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार ऐसा किसी जांच या फिर किसी बदबू से सूंघने की वजह से, या किसी की खुशबू को जो है उसको सूंघने की वजह से कई बार कुछ खाने की भी इच्छा नहीं करती है। ठीक है, खाने से भी ऐसा होता है, जैसे कोई चीज़ ऐसी खा ली तो उससे भी उपकाई आने लगती है। और पांचवा है मूड स्विंग। ठीक है, इस दौरान क्योंकि कई तरह के हार्मोन जो है उसमें बदलाव होते हैं, तो ऐसे में आपको कई बार बहुत ज़्यादा रोना भी आ सकता है। ठीक है, बेवजह आप बहुत ज़्यादा किसी बात पे खुश भी हो सकती हैं। ठीक है, छठा है खाने से परहेज। जो जैसे हो सकता है कि इस दौरान आपको अपनी जो फेवरेट चीज़ें से जो है नफ़रत हो जाए। ठीक है, जो आप पहले बहुत अच्छे से चाव से खाती थी, उन चीज़ों को आप बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल उनको देख के ही मन ना करें आपका खाने का। ठीक है, क्योंकि हार्मोन बदलावों के कारण भी ऐसा होता है, तो आपको ये भी हो सकता है। ठीक है, सातवां है आपका कॉन्स्टिपेशन। हार्मोन चेंज के कारण जो होता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पाचन काफ़ी स्लो हो जाता है। ये सभी लक्षण आपको पीरियड मिस होने से पहले जो है वो महसूस होने लगते हैं।
ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हुई है या नहीं हुई है। आपको पीरियड मिस होने का जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको पीरियड मिस होने से पहले ही सारी जानकारी हो जाएगी, आपको ये लक्षण जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।